आइए वेलकम करते हैं राबिया अनम को और इनसे पूछते हैं इनकी ईद कैसे गुजरी। मतलब एक तरफ पार्लर चल रहा है, कलर तो अच्छा लगेगा, व्हाइट पे ही बैठे। मैं वही परेशान हूँ, मैं कहती थी लड़की यहाँ ट्रांसमिशन हो रही है, वहाँ पार्लर है, वो भी सीजन ना, पार्लर भी सीजन वाला। बिल्कुल, कैसी गई दोनों चीजें आपकी? बस पूरा महीना रमजान में पार्लर 20 दिन तो बहुत स्लो होता है ना, क्योंकि जाहिर है कम काम हो रहा होता है, रेगुलर होता है। आखिरी के 10 दिन ये था कि मैं चांद रात को सुबह 7 बजे घर आई हूँ, 6:30 बजे सैलून बंद हुआ। लग रही है मुझे बैठी आवाज बंद है। मैंने खालदा से कहा, मैंने कहा खालदा मेरी बिल्कुल आवाज बंद है, कहती कोई बात नहीं आ जाए, जो कुछ नहीं होता। सो मेरी आवाज बंद हो गई। ईद का तीसरा दिन पूरी रात में हॉस्पिटल में रही, मुझे ड्रिप लगी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो शायद वोकल कॉर्ड्स हमारे रिलैक्स होते हैं ना एक महीने के बाद, तो अचानक से गला खराब हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, और मुझे नहीं होता बुखार शुखार, मुझे याद नहीं कब हुआ, लेकिन ये हो गया मुझे। ईद तुम्हारी ऐसे गुजरी? 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे, ईद के तीसरे दिन रात को मेरा बेड़ा गरम। शुक्र है कि वीकेंड था फिर। तो बस अब तो अल्लाह का, लेकिन अब तो शादियों का सीजन, फिर तुम बिजी हो जाओगी। बस बिजी बिजी है, अल्लाह का शुक्र है, बिजी है यार, अल्लाह का शुक्र है, नेमत है। तुम्हारी ईद बच्चों के साथ कैसी गुजरी? हस्बैंड आए थे? हस्बैंड इधर ही है, कराची में ही है, तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गुजरी, सोते हुए गुजरी मोस्टली, अम्मी के घर गए और बस जितना हो सकता था हमने एंजॉय किया। एक मिनी स्टेकेशन हम कराची में एक होटल में जाके रुके एक दिन के लिए, तो बस वो ये वाला था कि कुछ तो डिफरेंट हो, बिकॉज वी कुड नॉट ट्रेवल एनीवेयर। अभी जून में हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ तो हो यार, और शायद हमारे लिए ये चीजें निदा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन बाकी घर वाले जिनको टाइम ही नहीं मिलता, और जिन्होंने रमजान में इतना बहुत कि मैं बाहर हूँ तो बच्चे घर में, मेरी सास संभाल रही थी, ससुर मेरे, क्योंकि मेरे अब्बू और ससुर दोनों ने एहतिकाफ किया था, दोनों एहतिकाफ में थे, मियाँ बिजी, एवरीवन वाज बिजी। सो वो जहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बस, तो रमजान ने मेरा बहुत, मैं कहूँगी कि कुर्बानियाँ तो ये महीना मांगता है, लेकिन फिर जब गिफ्ट्स मिलते हैं, ईद और ये सारी चीजें, तो फिर आपका। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.